बज रहे हैं दोपहर के दो और हम अभी अपने ससुराल में हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड देख के समझ सकते हैं, ये हमारा इंट्रेंस गेट है। तो ससुराल आए हुए हैं, अभी दोपहर का 2 बज रहे हैं, पर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। मौसम भी दिखाते हैं आप लोगों को, पहले दिखाते हैं मेरे साथ कौन है। मेरे साथ है खुशबू। हेलो करो खुशबू। हाय। ये है मतलब क्या भांजी ना, हाँ मतलब दीदी की बेटी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुआ है गाइस यहाँ पे, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी हल्का हल्का धूप कर रहा है मौसम। थोड़ा बैक कैमरा से दिखाते हैं आप लोगों का नज़ारा। तो ये है अभी बारिश के बाद का नज़ारा, यहाँ पे पानी जमा हुआ है। बारिश उतना जोर से नहीं हुआ है। कितना जोर से हुआ खुशबू बारिश? हल्का हल्का हुआ है। और उधर गाइस देखिए, हम लोग का बोरिंग हो रहा है घर में, तो वो मशीन लगा हुआ है। तो ये बोरिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं घर। अभी क्या 10 बजे आसपास हम लोग पहुँचे घर। 10 बजे स्टार्ट हुआ है बोरिंग होना। आवाज़ आ रहा है पूरा घर घर घर, गाड़ी पीछे लगा हुआ है। वहाँ पीछे वाला आंगन में करा रहे हैं हम लोग बोरिंग। बोरिंग भी आपको दिखाएंगे। अभी शायद 100 फीट हो गया ना। पूरा धूल धूल हो चुका है, खुशबू का बाल भी हो गया है। उधर अभी थोड़ा बाहरी तरफ घूम के आते हैं, मौसम अच्छा हुआ तो। इससे पहले तो इतना धूप था, गर्मी लग रहा था पूरा। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो सोच रहे थोड़ा घूम के आते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं मेरा ससुराल। ये पीछे जो दिख रहा है गाइस, देखिए ये वाला नहीं है, ये जो लाइट जो बोलेंगे लाइट ब्लू, ये नहीं है, जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो पेंट है वो है हम लोग का घर। वहाँ से गेट है, फिर उधर पीछे मतलब उधर है पूरा घर। मस्त लग रहा है ना अभी ठंडा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बारी की तरफ, दिखाते हैं बारी तरफ क्या क्या है। वैसे तो बारी में कुछ लगाया नहीं हुआ है। तो ये है पतला, ये है कच्चा रास्ता बारी की ओर जाता है। अभी थोड़ा बस यहीं पे जिस बारी देखिए, यहाँ ये यही आसपास बारी है, जहाँ पुआल दिख रहा है ना वहीं पे बारी है। आई होप कि मेरा आवाज़ आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा होगा गाइस। गाड़ी का आवाज़ बहुत आ रहा है, बोरिंग वाला गाड़ी का आवाज़। इधर बांस का पेड़ है, बेल पत्ता। और यही है शायद हम लोग का गंदुरगढ़ है ना। हाँ। ये हम लोग का गंदुरगढ़ा, गोबर फेंकने वाला जगह को गंदुरगढ़ा बोलते हैं। आधा को ले गया ना खेत में देने के लिए। तुम थी उस टाइम जब माइंड उठा रहा था तो नहीं। ज्यादा दूर नहीं है बारी, ये बस पहुंच ही गए हम लोग। तो बारी के पास हरा हरा कुछ दिख रहा है, वो पुदीना होगा ना। पुदीना। अभी कैमरा में भी पूरा ब्राइट ब्राइट आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। हल्का ही बारिश हुआ पर अच्छा हुआ, हो गया बारिश। बहुत दिन से बस बादल छा रहा था, बारिश नहीं हो रहा था।
आम पेड़ में तो आम ही नहीं लगा है। ये आम पेड़ है हमारा बारी के सामने वाला, इसमें एक आम दिख रहा है खुशबू को, पता नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है। इस बार आम ही नहीं है गाइस। कहाँ कहाँ? ओह, एक आम दिखा, देखिए थोड़ा जूम करते हैं, देखिए दिखाओ एक आम। किस्मत अच्छा होगा जिसको खाने को मिलेगा, क्या खुशबू? पोरा को तो पूरा घेर दिए हैं, कौन घेरे हैं? आप लोगों को तो नदी हम घुमाने ले ही गए थे, वो मछली मारने वाला वीडियो आप देखे ही होंगे। तो हमारा गांव नदी किनारे है, नदी यहाँ से सामने ही है, नदी दिख रहा है यहाँ से। तो ये रास्ता नदी की ओर ही ले जाता है, जिस रास्ते पे भी हम लोग चल रहे हैं, पर हम लोग नदी नहीं जाएंगे, बस इधर से भी घूम जाएंगे हम लोग, लौट जाएंगे। यहीं से लौटेंगे, इधर आओ। इधर बारी के जस्ट बगल वाले खेत में है हमारा ये बगान, जिसमें हम लोग पेड़ लगाए हैं। क्या सागवान का पेड़ है ये पूरा पीछे, देखिए कोई कोई तो अच्छा बड़ा हो चुका है और कोई कोई छोटा ही है अभी। यहाँ से नदी दिख रहा है गाइस, देखिए मेरे पीछे जो चट्टान दिख रहा है ना, ये सब नदी का एरिया है। पूल दिख रहा है? हाँ पूल भी दिख रहा है। चलिए बैक कैमरा दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से। देखिए ये है हमारा सागवान का पेड़, आगे चलने पर और मिलेगा, हम लोग और लगाए हैं आगे, मतलब खुशबू के मामू लगाए हैं, उनको पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखिए गाइस ये है नदी, देखिए पूल भी दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करते हैं, ये है पूल। कौन सा पूल होगा ये खुशबू? ये क्या मुर्गू से आने वाला इधर अटरिया वाला रास्ता को जोड़ता है, ये वही पुल है। एक ही नदी पर दो पुल पड़ता है तब जाकर हमारा गांव आता है। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? फाइव ए, सेक्शन ए। कौन से स्कूल में? डॉन बॉस्को स्कूल गुमला। डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ती है खुशबू, बहुत अच्छी बच्ची है, सबका कहना मानती है ना खुशबू। खुशबू लोग दो कोई है, दो एक भाई एक बहन है, प्रिंस नाम है इसके भाई का, वो भी घर पर ही है, उसको नहीं लाया घुमाने के लिए। गाइस अभी हम लोग लौट गए हैं बारी तरफ से, मौसम और ख़राब कर रहा है, ज़ोर से बादल गड़क रहा है और गरज रहा है। गरज ना बोलते हैं, गड़क ना बोलते हैं, बताओ क्या पसंद। और इधर है प्रिंस, जामुन पता नहीं फला है कि नहीं, जामुन तोड़ने में लगा हुआ है प्रिंस। जामुन शायद पका हुआ, ये घर के सामने हम लोग, ये घर के सामने है जामुन का पेड़, इसी में ये बच्चा लोग लटका हुआ है। कितना जामुन तोड़ा दिखाओ। वाह इधर दिखाओ, इधर दिखाओ जामुन दिखाओ। हेलो बोल दो। ये है प्रिंस, खुशबू का भाई। जामुन खाने के लिए मिल गया। अरे वाह जामुन तो सही में पका हुआ है, हम तो देखे ही नहीं थे, जामुन पका हुआ है गाइस, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं गुच्छा गुच्छा में पूरा। ये है जामुन, दी काला काला दिख रहा होगा आप लोगों को, आ गया। ये है जामुन, ये है जामुन, पूरा जोर जोर से हवा चल रहा है, और भी है जामुन उधर। तो मेरे हाथ में ये जामुन तो अच्छा दिख रहा है, इस सीजन का फर्स्ट जामुन ट्राई करते हैं। मीठा है।
बाद क्या जीप तो क्या पर्पल कलर का हो जाता है इससे इस तरह का हो जाता है जामुन खाने के बाद। प्रिंस का भी हुआ होगा ना जीप पर्पल हुआ है तुम्हारा भी। हाँ तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं, आप लोगों को बोरिंग दिखाते हैं। इधर ये क्या कर रहा है, कहाँ जाके घुस गया है? तो इधर हो रहा है बोरिंग। तो गाइस अभी हम अपने घर के मतलब अंदर वाला आंगन में हैं, बाहर वाले आंगन में तो बोरिंग हो रहा है। अभी आप लोग जैसे कि देखे बोरिंग अभी हुआ नहीं है पूरा, पता नहीं कितना देर लगेगा। और अभी धूल भी कम उड़ रहा है और इधर है मेरे पीछे दो बत्तख जो कि मेरे को देख के डर गया है, पता नहीं हिल ही नहीं रहा है कुछ, एकदम चुपचाप से खड़ा हो गया है। ये हमारा ही बत्तख है गाइस, इसको खरीदा हुआ है, मतलब इसको खाने के लिए खरीदे थे पर अब ये जिंदा बचा हुआ है। पानी और टिपक रहा है, बारिश हो सकता है, जोर से हो सकता है बारिश। ये है आंगन, एक राउंड देख लीजिए, ये आंगन है। किसी दिन घर का भी टूर कराएंगे हम आप लोगों को अच्छे से, अभी आधा आधा देखे रहिए। हे गाइस तो अभी हम किचन में हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं चूल्हा है, ये चूल्हा में आज हम खाना बना रहे हैं। पहले भी चूल्हा में बनाए हैं पर फर्स्ट टाइम नहीं है ये। हाँ तो हम सब्जी बना रहे हैं, देखिए बोदी और आलू का सब्जी बना रहे हैं। तो टाइमिंग बता देते हैं आप लोगों को, अभी लगभग 7 बज रहा है। खाना भात तो बन गया, उधर खाना तो बन गया और पसा लिए उसको। तो बोरिंग का काम हो गया, वो 6:30 बजे के आसपास ख़त्म हुआ लगभग। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे व्लॉग को, मेरा तो पसीना छूट रहा है और आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरा पसीना छूटने को देखकर। ऐसे गर्मी में मतलब अंदर किचन, गांव का किचन तो ऐसे अंदर में होता है ना, कोई वेंटिलेशन नहीं है इसीलिए ज़्यादा गर्मी लगता है। पर ऐसे ही होता है, ट्रेडिशनल किचन जो गांव का होता है तो ऐसे ही होता है। तो अभी सब्जी चलाते हैं उससे पहले कि मेरा सब्जी जल जाए। अभी हम सब्जी भून रहे हैं, इसमें मसाला डालना है बस। ऐसे चूल्हा में खाना पकाने का भी अलग ही मज़ा है गाइस, सब चीज़ का अलग ही मज़ा होता है, इसलिए हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए इंसान को। तो हाँ तो वही गाइस हम बोल रहे थे कि सब चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, चूल्हा में खाना बनाने का भी मज़ा लेना चाहिए। इधर से दीदी लोग आ रही है अभी पीछे। भात बन गया है, इधर मेरी छोटी दीदी, इधर तो प्रिंस है। तो गाइज अब हम ऐसे ही एंड करेंगे व्लॉग को, खाना बन जाएगा फिर हम लोग खा कर सोएंगे, फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे अपना वापस जो हमारा प्लेस है वहीं के लिए। तो
वीडियो का पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।